नमस्कार एंड वेलकम बैक दोस्तों, द वे पे काश यहाँ पर आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। आज बात करेंगे अल्ट्रॉज रेसर के बारे में दोस्तों। इसका इंजन है 1.2 लीटर टर्बो दोस्तों। सबसे पहले आप लोग 1 मिनट का ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे डिटेल में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं डिटेल में वीडियो। तो जैसे कि मैंने बोला था, इसमें आपको मिलेंगे R1, R2, R3, तीन तरह के वेरिएंट्स मिल जाएंगे। और कलर्स की बात करें तो सिर्फ तीन कलर आपको मिलेंगे दोस्तों। एक है एटॉमिक ऑरेंज, दूसरा है एवेन्यू व्हाइट और तीसरा है प्योर ग्रे। और जो हम लोग आज देख रहे हैं वो है प्योर ग्रे कलर दोस्तों। और चलिए इंजन की बात करते हैं। इंजन है दोस्तों 1.2 लीटर जो कि है टर्बो इंजन दोस्तों। जो नेक्सॉन का इंजन था टर्बो इंजन, वो अभी आपको अल्ट्रॉज में मिल रहा है। तो दोस्तों 3 सिलेंडर कार है, मैनुअल कार है अभी ये, मतलब इसमें 6 गियर मैनुअल है दोस्तों, इसमें ऑटो कार नहीं है। ये है R2 जो कि है मिड रेंज वाला वेरिएंट। और हाँ, इसके एक शोरूम प्राइस स्टार्ट होती है दोस्तों 9.49 लाख से 10.99 लाख तक, मतलब 9.5 लाख रुपए से शुरुआत है। चलिए देखते हैं हेडलाइट्स। ये है लो बीम, ये है हाई बीम, और साइड में आप देखोगे ये है इंडिकेटर। और ये जो प्रोजेक्टर सेटअप है दोस्तों, ये है हैलोजन में दोस्तों। और ये जो ग्रिल देख रहे हो आप लोग, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में, और टाटा का नया लोगो। नीचे देखोगे तो फ्रंट में आपको कैमरा अवेलेबल है, और नीचे आप देखोगे तो आपको मिलेगा फॉग लैम्प, वो भी हैलोजन बल्ब दोस्तों। और उसके साइड में आपको DRL मिल जाएंगे। और फ्रंट में भी आपको इस तरह से लुक मिलेगा, स्पोर्टी लुक। बोनेट पर देख सकते हो दो व्हाइट कलर में आपको स्ट्राइप्स मिलेंगे दोस्तों, स्पोर्टी लुक के लिए बढ़िया सी बनाई गई है। और जो हुड है दोस्तों, ब्लैक हुड है। देखते हैं साइड व्यू, यहाँ पर आप देखोगे रेसर की बैजिंग है। और जो इंडिकेटर है दोस्तों, आपको बॉडी पे मिलेगा। टायर देख लीजिए, टायर सेक्शंस। और अगर अलॉय व्हील की बात करें तो ब्लैकआउट अलॉय व्हील है जो कि ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में है। और टायर सेक्शन है दोस्तों, लगभग 16 इंचेस के टायर्स मिलेंगे, 185/60 R16 इंचेस के। और ये देखोगे तो फुली ब्लैक आउट है, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में। इस पर आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा। और पासिव एंट्री दोस्तों ड्राइवर के लिए। और ऊपर अगर देखोगे तो रूफरेंस वगैरह नहीं है, लेकिन आपको सनरूफ मिल रहा है। R1 में आपको सनरूफ नहीं मिलेगा, R2 R3 में आपको सनरूफ अवेलेबल है। अगर आप टॉप एंड मॉडल में जाते हो तो 3 फीचर्स सिर्फ ज्यादा है टॉप एंड मॉडल में, वो आपको मैं आगे कल वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो 90 डिग्री डोर्स ओपन होते, तो आप अगर पीछे से देखोगे तो रियर व्यू इस तरह से कार का, तो टेल लैम्प जो है वो कनेक्टेड नहीं है, लेकिन शार्क फिन एंटीना, स्पॉइलर ये देखोगे तो 101% स्पोर्टी कार है दोस्तों। आपको डिफॉगर्स, वाइपर वॉशर सब अवेलेबल है। और ये टाटा का नया लोगो है अभी। और जब डुअल टोन में कार है दोस्तों, ग्रे एंड ब्लैक। आई टर्बो प्लस का भी बैचिंग है इसमें। रियर पार्किंग के लिए कैमरा, जिसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, 2 सेंसर्स मिलेंगे रिवर्स पार्किंग के लिए। अगर 4 मिल जाते तो और बढ़िया हो जाता। और ग्राउंड क्लियरेंस इस तरह से है दोस्तों, आपको तो पता ही है अल्ट्रॉस के ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, और जो टेल लाइट्स है दोस्तों, वो भी आपको हैलोजन में मिलेंगे। सब हैलोजन सेटअप है फ्रंट में और रियर।
चलिए बूट देखते हैं, यहाँ से आप बूट ओपन करोगे, मतलब जस्ट टाटा का लोगो है उसके नीचे बटन प्रेस करोगे तो बूट ओपन होगा दोस्तों। तो आपको पार्शियल ट्रे मिलता है कार में, और देख लीजिए बूट स्पेस, अगर बूट स्पेस की बात करो तो लगभग 345 लीटर का बूट स्पेस है, और यहाँ पर आपको बूट लैंप अवेलेबल है, और दो हुक्स मिलेंगे जहाँ पर आप 3 kg चीजें लगा सकते हो। और यहाँ पर आपको एक स्पेयर व्हील मिल जाएगा जो कि है 14 इंचेस का, और टायर सेक्शन की बात करें तो 185/60 और R14 का टायर मिलेगा स्पेयर व्हील। तो ओवरऑल अगर स्पोर्टी कार चाहिए किसी को तो 100% जा सकते हैं। देख लीजिए आप गाड़ी की लंबाई देख सकते हो आप, 3990 3990 mm, और जो कर्व है गाड़ी में जबरदस्त और बढ़िया स्टाइलिश लुक है। चलिए देखते हैं इंटीरियर में, तो इस तरह से इंटीरियर है दोस्तों, डुअल टोन में ब्लैक एंड ऑरेंज, जो कि बढ़िया लुक मिलता है दोस्तों। चलिए बैठ के देखते हैं। हाँ, सबसे पहले डोर की बात कर लेते हैं। डोर पे आपको चारों पावर विंडो, ग्रैब हैंडल, यहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक वगैरह नहीं है, स्मूथ है थोड़ा। तो वन टच है जो विंडो है ड्राइवर साइड वाला, वन टच है। और यहाँ पर मतलब अभी नया कुछ चेंजेस किया है, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है, मतलब आप कुछ कॉइन वगैरह कुछ चाबी वगैरह नहीं रख सकते हो, तो इस तरह से। और नीचे आप देखोगे बॉटल होल्डर। तो चलिए बात करते हैं डैशबोर्ड की। इस तरह से स्टेयरिंग व्हील डी शेप में है, लेदर रैप किया हुआ है, यहाँ पर भी ऑरेंज कलर में कुछ स्टिचेस किया गया है। लेफ्ट साइड में आपको इंपोर्टेनमेंट और राइट साइड में इग्निशन के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, क्रूज कंट्रोल्स। और आप देख सकते हो यहाँ पर राइट साइड में स्टार्ट स्टॉप बटन, यहाँ पर फॉग लैंप और लॉक अनलॉक बटन की कीज, और यहाँ पर स्टोरेज थोड़ा सा। चलिए शुरू करते हैं, इग्निशन देखते हैं। इस तरह से स्टार्ट होती है टाटा मोटर्स, बढ़िया से डिजिटल, फुली डिजिटल इग्निशन। हाँ, और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर सिर्फ आपको स्पोर्ट मोड मिलेगा, यहाँ पर दूसरे मोड्स मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये स्पोर्ट कार है दोस्तों, सिर्फ स्पोर्ट मोड अवेलेबल। तो वहाँ पर कुछ मतलब प्लास्टिक लगा है इसलिए मैं आपको क्लियर व्यू नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि मुझे परमिशन नहीं थी प्लास्टिक निकालने की। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि न्यू कार है और उसका प्लास्टिक निकाल लो, मुझे भी पसंद नहीं है ये बात, क्योंकि अगर कोई कार परचेस करता है दोस्तों, अगर वहां पर प्लास्टिक नहीं लगा उसको हर्ट होता है, वो कुछ दिनों के लिए रखता है, आप समझ सकते हो। अगर कोई नया कार परचेस करता है तो वो समझ सकता है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं जो स्क्रीन है, इस तरह से स्क्रीन है, यहाँ पर आपको बहुत सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे। और हाँ, स्क्रीन है दोस्तों 10.25 इंचेस की, और इस तरह से एसी का सेटअप है। सबसे पहले हम स्क्रीन की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको क्या क्या कंट्रोल्स मिलते हैं। आप देख सकते हो फोन भी कनेक्ट कर सकते हो किसी के साथ, क्लाइमेट कंट्रोल है, एंड्रॉयड एप्पल कार प्ले है दोस्तों, मीडिया, यहाँ से आप आपका लोकेशन भी भेज सकते हो किसी को, सराउंड व्यू मतलब जो 360 कैमराज है उस किस तरह से आपको यूज करना है, राइट साइड में देखना है या रियर में देखना है, आप सब एंगल्स इसमें चेक कर सकते हो। मैंने यार खुद चेक किया है कि कैमरा क्वालिटी इतनी बढ़िया है, आप किधर भी मूव कर सकते हो, मतलब अगर आप भीड़ में आपको पार्किंग करना है तो आराम से आप गाड़ी पार्क कर सकते हो, इतना क्लियर व्यू है। आप देख सकते हो स्टेयरिंग घुमा रहा हूँ तो वहां पर दिखा रही है कार कि कहाँ तक जा सकती है, सॉरी राइट में या लेफ्ट में, किधर भी घुमाओ किस तरह से गाड़ी मुड़ सकती है, मतलब कैमरा क्वालिटी बढ़िया है। हाँ, अगर फ्रंट में देखना है इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हो, और सबसे बढ़िया बात आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो इसमें।
चलिए बहुत हो गया म्यूजिक, अभी काम की बातें भी कर लेते। तो यहाँ पर आपको ये हजार्ड लैम्प अल्ट्रॉस की बैजिंग और ऑरेंज कलर में डैशबोर्ड पे सेटअप मिल जाएगा। और ये एसी का सेटअप है, ऑफ का बटन, और आप चेंजेस कर सकते हो किस तरह के फ़ैन, कहाँ के फ़ैन्स ऑन करने। 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट, वायरलेस चार्जिंग, गियर मैनुअल, 6 गियर मैनुअल है दोस्तों। यहाँ पर आपको ग्लास होल्डर्स मिल जाएंगे, और सबसे बड़ी बात इस तरह से आपको की मिलेंगी टाटा की, जो जनरली सब कार्स टाटा की जो है उसमें सेम रहती है। आप देख सकते हो सीट्स, सीट्स पर भी आपको ऑरेंज कलर के स्टिचेस दिखेंगे, और स्टाइलिश सीट्स है हेडरेस्ट के साथ। और डैशबोर्ड देख सकते हो कितना बढ़िया ग्लॉसी। हाँ, और सबसे बड़ी बात आप ग्लोव बॉक्स देख सकते हो भाई, आप देख सकते हो कितना बड़ा ग्लोव बॉक्स है। और हाँ, फुल ग्लोव बॉक्स, आप इसमें छोटा आपके पास लैपटॉप है, आईपैड है, वो भी रख सकते हो, डायरी, पेन, डॉक्यूमेंट्स, इतना बड़ा ग्लोव बॉक्स डैशबोर्ड देख सकते हो आप, बढ़िया सा डैशबोर्ड। और IRVM जो है दोस्तों आपको मैनुअली सेट करना पड़ेगा डे एंड नाइट में। हाँ, और यहाँ पर आपको सनरूफ के कंट्रोल्स मिलेंगे, और जो लैंप है दोस्तों वो आपको LED में मिलेगा। आप देख सकते हो सनरूफ है, सनरूफ के साथ है कार, छोटा सनरूफ है लेकिन बढ़िया है जरूरत के हिसाब से। और यहाँ पर आपको ग्लोव बॉक्स देख सकते हो, आप आपके हिसाब से पीछे आगे कर सकते हो उसको, अगर आपको हाथ रखने में कुछ तकलीफ हो रही तो आप आगे और पीछे कर सकते हो। और बहुत ही कंफर्ट है। सबसे एक बात मैं बताना भूल गया, जो हेडलैम्प है सही दोस्तों, हेडलाइट से आप ऑटो पे कर सकते हो, अगर नाइट में आप ड्राइविंग कर रहे हो, अगर अंधेरा है तो ऑटो में रखे होंगे तो ऑटोमेटिक वो चालू हो जाए। हाँ, तो रियर में देखते हैं, रियर में आपको 90 डिग्रीज डोर ओपन होंगे। चले बैठते और रियर से देखते हैं इस तरह से कैबिन का लुक है दोस्तों, डोर टोन सेटअप में। और यहाँ पर पीछे वालों के लिए एसी वेंट्स, चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पर USB लगा सकते हो। हाँ, और 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं बढ़िया से। अब बैठने के बाद भाई फील होता है स्पोर्ट्स कार में बैठे ऐसा, 100% फील होता है। यहाँ पर से आप एसी कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसे कि मैंने बोला था USB के लिए चार्जिंग के लिए सॉकेट है। और हम्प वगैरह कुछ नहीं है, बड़ा सा हम्प नहीं है, तो आराम से एडल भी बैठ सकते हैं। आप देख सकते हो साइड सपोर्ट वगैरह, इजीली लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो तो बहुत ही कंफर्ट है। और हेडरेस्ट के साथ आते हैं, 2 हेडरेस्ट है दोस्तों, और बीच में आपको हैंडरेस्ट भी मिल जाएगा हाथ रखने के लिए, लेकिन उस पर ग्लास होल्डर्स वगैरह नहीं है। डोर पैनल इस तरह से सेम जैसे कि फ्रंट में बताया था, पावर विंडो के साथ यहाँ पर भी आपको बॉटल वोटर वगैरह अवेलेबल है, स्पीकर और ट्विटर, तो चारों ट्विटर मिलेंगे, चारों स्पीकर।